टॉकी रजा खान साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो बरेलवी सेक्ट से जुड़े हैं। Okay. बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी, भाई साहब भैया पंखा ना चलाओ प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कई लोगों ने पूछा हमसे सवाल कि खान साहब से पूछेगा कि जो बरेलवी सेक्ट के लोग हैं वो देवबंदियों को या शिया संप्रदाय के लोगों को या तमाम और जो सारे सेक्ट हैं उनको मुस्लिम मानते हैं या नहीं। अब हम तो समझते नहीं है, देखिए आप ही बता दो नहीं, नहीं। क्या है मसला? मैं बताऊं, शरई जो मामलात हैं, मैं तो एक तो मजहबी बात गुफ्तगु में करता नहीं हूँ आमतौर से। अच्छा, आज आपने अपने समझने के लिए ये जिक्र निकाला है तो इतनी गुफ्तगु मेरे और मेरे दर्शकों नहीं, मैं दर्शकों के लिए तो मैं कहता हूँ कि सीधी बात यह कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का आदमी हूँ, सामाजिक एकता चाहता हूँ, बराबरी चाहता हूँ और भाईचारा चाहता हूँ मैं जी। तो मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। अच्छा जी। मैं सबको, भारत के सारे नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई हैं, मैं इस मिजाज का आदमी हूँ। हाँ। तो अब मुसलमानों में कितने फिरके हैं, हाँ। कितने डिफरेंसेस हैं, उनसे ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। मैं देवबंद भी गया था, मेरे अपने लोग मुझसे नाराज भी हुए, मैं देवबंद भी गया था क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा अकीदा मेरे और मेरे रब के बीच की बात है, मेरा अकीदा मेरे और मेरे कब्र की बात है, उनका अकीदा अच्छा है या बुरा है वो जाने, लेकिन चूंकि उन्हें सब मुसलमान समझते हैं, हिंदूवादी संगठन मुसलमान समझते हैं, हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां उन्हें मुसलमान समझती, सरकार मुसलमान समझती है, इसलिए ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले वो तमाम लोग, वो चाहे शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, जो कलमा पढ़ने वाले लोग। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं। नहीं, बरेलवी नहीं मानते। नहीं मानते, बरेली काफिर मानते हैं। एक बरेलवी, मैं इसको थोड़ा समझ लेता, बरेलवी उन्हें काफिर मानते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो देवबंदी हैं या शिया हैं या अहमदिया हैं या दाऊदी बोरा हैं वो सब मुसलमान नहीं है। ओके, मुसलमान इस एतबार से नहीं है कि उनके अकीदे वो नहीं है जो हमें बताए गए हैं, उनके अकीदे में हमारे अकीदे में फर्क है। पर खान साहब, ये इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है, जैसे मैं अगर, चूंकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं उसके उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये फर्क हर मजहब में है, सिखों में भी ये फर्क पाया जाता है, मसलक का जो डिफरेंस है, सवाल ये हिंदुओं में भी पाया जाता है। अरे आप खान साहब सवाल तो सुनिए, हो सकता है फिर मेरा सवाल ज्यादा खुल के आए। जैसे कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई किसी ईश्वर को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, और कोई ये भी कहता है कि निराकार है आर्य समाज, है ना? तो लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हम ही हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है। आप कुछ भी मानते हो तो वो हो, पर वो ऐसे नहीं कहते कि नहीं साहब ये हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं। या जैसे ईसाइयों में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बहुत झगड़ा होता है आपस में, सिख धर्म में कई नए नए वो निकले हैं, कई डेरा सचखंड बल्ला और बहुत सारे निकले हैं जिसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, पर उसमें कोई ये नहीं मुझे कहता मिला कि सब बाकी सब नहीं है, सिर्फ हम हैं। ये बरेलवी और देवबंदियों का थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बरेलवी देवबंदी का, बरेली और देवबंदी की बात नहीं है सिर्फ, और भी हैं इसमें। हाँ, बहुत से हैं, मैं लिख के ऐसे बहुत से हैं, सलाफी, देवबंदी, अहले हदी। जी जी जी, नहीं इसमें मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हिंदुओं में कितने फिरके हैं, आर्य समाजी हैं, सनातन धर्मी हैं, कितने फिरके हैं, लेकिन वो सारे के सारे हिंदू हैं, और शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, ये तमाम मुसलमान हैं, मेरे नज़दीक मुसलमान हैं, लेकिन जो अल्लाह को मानता है, हाँ। और उनके यहाँ और हमारे यहाँ अकीदे में थोड़ा सा अंतर है, तो अल्लाह की शान में या रसूल अल्लाह की शान में, मोहम्मद साहब की शान में ज़रा सा भी कोई ऊँच नीच होती तो उसे हमारे यहाँ काफिर करार दिया जाता है, गैर मुस्लिम नहीं कहा जाता है। काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर जो शरीयत में कोई ख़ता करे, अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, रसूलुल्लाह को नहीं मानता या रसूलुल्लाह के अधिकारों को नहीं मानता काफिर है।
तो काफिर लोगों को ऐसा लगता है कि काफिर हमारे यहाँ हिंदू को या गैर मुस्लिम को समझा जाता है, काफिर हमारे यहाँ मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान वो सब हैं जो शिया है या अहले हदीस है या वहाबी है, मुसलमान मैं उन्हें मानता हूँ, लेकिन उनसे जो कुफ्र सरजद हुए हैं क्या क्या एक सेकंड भाई साहब थोड़ा सिंपल क्या हुए कुफ्र क्या हुए हैं? कुफ्र वो है जो काफिर करता है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, तौहीन करे, रसूलुल्लाह का जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं कुफ्र कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, आप कुफ्र कहाँ कर रहे हैं, आप तो सवाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैं वैसे और वजाहत कर दूं भाई, मुझसे मैं इस पे नहीं, मुझे मजहबी बात ठीक नहीं लगती, मैं थोड़ा सा